आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अदाकारा ऐमन खान ने हॉस्पिटल जाने से पहले अमल के पैदा होने पर हॉस्पिटल में अमल के साथ पहली तस्वीर मदाओं के साथ शेयर करते हुए दुआओं की अपील की। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बासानी आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शोबिज़ लवर्स अदाकारों की तरफ से आने वाली हर खबर का बेसब्री से इंतजार करते हैं और इनकी आने वाली तमाम तस्वीर पर ढेरों लाइक और प्यार का इजहार करते नजर आते ही रहते हैं। अदाकाराएं भी अपने मदाहों के साथ आए रोज कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं। ऐमन खान को तमाम अदाकारों में सबसे अनोखे और अलग अंदाज में हर दिन को खास बनाती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐमन खान का शुमार इंडस्ट्री के टॉप फेमस और हसीन अदाकारों में होता है। ऐमन खान ने अपनी बेटी अमल के पैदा होने पर शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ दिया। जहां अमल के पैदा होने से पहले ऐमन खान ने खुद को घर में बंद कर लिया था और सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पर गायब हो गई थी, वहीं पर अब दूसरी बार प्रेगनेंट होने पर ऐमन खान अमल और मुनीब के साथ दुबई पहुँच गई। ऐमन खान के प्रेग्नेंट होने पर अमल अपनी माँ को मोटा कह कहकर तंग करती रहती है। रिसेंटली ऐमन खान ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी डेली रूटीन को शेयर किया। आइए ऐमन खान और अमल मुनीब की तमाम वीडियोस देखते हैं। As an actor, my life's top priority is to stay healthy and make sure my skin looks fresh. बचपन से ही मुझे मेरी मम्मा कहती थी, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, लेकिन मुझे भी आप सबकी तरह अनहेल्दी जंक खाने का बहुत शौक था। लेकिन अब मुझे उनकी हर बात याद आती है और आज मैं ये सब फॉलो करती हूँ। और जब से मैं खुद माँ बनी हूँ, मुझे इस बात का पूरा आइडिया है कि बच्चों को सिर्फ हेल्दी और फ्रेश फूड ही देना है। इसी तरह रिसेंटली अदाकारा ने हॉस्पिटल जाने से पहले अमल और अपनी हॉस्पिटल की पहली तस्वीर मदाओं के साथ शेयर करते हुए दुआओं की अपील की। आपको सब जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में अपनी कीमती राय का साथ जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हाफिज़।